अस्सलाम वालेकुम, मैं महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बेसिकली हमने अपने अर्लियर लेक्चर में लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के, इससे रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, डिमॉन्स्ट्रेट किया था थॉमस यंग साहब ने। तो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था थॉमस यंग इन 1801। ही वॉज द वन हु डेमोन्स्ट्रेटेड द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ अ लाइट बाय यूजिंग टू स्लिट्स। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट by using double slits। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये डबल स्लिट्स क्यों यूज किया। अब आ जाते हैं वापस। एट दैट टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अरेंज टू डिफरेंट कोहरेंट सोर्सेस। यानी उस वक्त जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ टू डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज अरेंज करना उस वक्त बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने क्या किया, एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक साइज विच इज इमिटेड फ्रॉम सिंगल सोर्स, सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट वंस इट स्ट्राइक्स टू या पास थ्रो स्लिट डबल स्लिट, इट स्प्लिट इट इन टू टू मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट वेव्स। ये इसके स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट वेव्स जो इमिट आउट हो रही है फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स एस वन। नहीं, अब ये एक सिंगल सोर्स से जो सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो स्प्लिट हो चुकी है टू मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट वेव्स में बाय यूजिंग टू डबल स्लिट्स, और ये दूसरी मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स। वंस दे आर मिक्स और सुपरपोज टू ईच अदर ऑन अ सिंगल पॉइंट ऑन अ स्क्रीन, दे प्रोड्यूसेस फ्रिंजेस इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में कि कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, कैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न को इन्होंने डिस्कस किया बाय यूजिंग टू स्लिट्स। अब आ जाते हैं कि इस जो पर्टिकुलर लेक्चर में हमें डिस्कस करना है काम की बात, वो ये है कि दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान स्पेस, और टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान, टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान जो स्पेस, जिसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग, इसको हमें ड्राइव करना है। तो इसकी डिपेंडेंसी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, ये जो दो स्लिट्स हैं इनके दरमियान एक स्पेस है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ अ फ्रिंज स्पेसिंग। तो हमने इससे पहले जो फिगर डिस्कस की थी उसका मैं रे डायग्राम बना रहा हूं। ये दो स्लिट्स हैं एस वन एस टू, बोथ आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस, लेट सपोज करता हूं डी, ये इनके दरमियान एक डिस्टेंस है। बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द सेपरेशन बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस, इट मींस बोथ लाइट रेज एमिटेड फ्रॉम एस वन एंड एस टू वंस स्ट्राइक टू स्क्रीन, तो दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ डी देयर इज अ सर्टन पाथ डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज वंस दे रीच ऑन स्क्रीन। तो पहले मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट सपोज ये एस वन से लाइट रे जो है वो स्ट्राइक हुई है एट पॉइंट क्यू ऑन स्क्रीन, और दूसरी लाइट रे भी
आपकी इमेज आउट हुई है फ्रॉम एस टू और वो भी स्ट्राइक हुई है एट पॉइंट क्यू ऑन स्क्रीन। इसको मैं नाम देता हूं लाइट रे आर वन, इसको मैं नाम देता हूं लाइट रे आर टू। दोनों का इक्वल पाथ डिफरेंस है, दोनों का इक्वल पाथ है, सही है। तो इक्वल पाथ डिफरेंस में दोनों दोनों लाइट रेस कवर कर रही हैं इक्वल पाथ, तो इट मींस देयर इज नो पाथ डिफरेंस बिटवीन देम, यानी जीरो पाथ डिफरेंस है। तो जीरो पाथ डिफरेंस पर मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जीरो पाथ डिफरेंस पर एट पॉइंट क्यू आपका ब्राइट फ्रिंज या ब्राइट बैंड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्यों? क्योंकि इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट के साथ मीट होगा या ट्रफ ट्रफ के साथ मीट होगा। लेकिन मैं अगर बात कर रहा हूं स्क्रीन पर एक पॉइंट पी, अगर मैं यहां बात कर रहा हूं तो इसका मकसद है एक सर्टन पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर। ये सपोज कर रहे हैं लाइट रे आर वन और ये सपोज कर रहे हैं पॉइंट एस टू पर, सॉरी पॉइंट पी ऑन स्क्रीन पर लाइट आर टू। लाइट आर वन जो कि इमिट आउट हुई है फ्रॉम करंट सोर्सेस S1 एंड लाइट R2 जो इमिट आउट हुई है फ्रॉम सोर्स S2, तो दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है। वाजे तौर पर नजर आ रहा है कि R2 कवर मोर पाथ देन R1, R2 कवर मोर पाथ देन R1, तो इसका मकसद कितना पाथ इसने ज्यादा कवर किया, ये हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं O, यानी यहां से लेकर यहां तक हम देखें तो इन दोनों रेस का पाथ इक्वल है, देयर इज नो पाथ डिफरेंस। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा पाथ है, यानी S2 से लेकर O तक R2 ने कवर किया है एक्स्ट्रा पाथ देन R1, तो ये कितना पाथ है इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं सिग्मा के साथ। तो यहां पर चेक करते हैं हम, कुछ ना कुछ सर्टेन एंगल क्रिएट हुई है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हमें पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ये पाथ डिफरेंस कितना है। तो पाथ डिफरेंस हम निकालने जा रहे हैं, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रेज आर वन एंड आर टू। तो एज शोन इन फिगर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल आपका एस वन एस टू और ओ। इस राइट एंगल ट्रायंगल के मुताबिक देखें कि एंगल की अपोजिट साइड जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, जो कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है इस साइड के साथ, यानी आपका एस वन और ओ के साथ ये परपेंडिकुलर है ओ S2, जिसको हमने सपोज किया है सिग्मा, ये आपका पार्ट डिफरेंस है। तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये हो गया बेस और ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस गिव्स द रेशियो ऑफ साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर एज शोन इन फिगर, ये आपका परपेंडिकुलर है एस टू ओ और हाइपोटेन्यूस आपका है एस वन एस टू। तो यहां पर हमने एस वन एस टू को के डिस्टेंस को क्या सपोज किया है डी, और एस टू ओ जो कि पार्ट डिफरेंस है उसको हमने सपोज किया है सिग्मा। यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई साइन थीटा जो है वो आपका हो गया सिग्मा अपॉन डी, यानी पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रेज, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रेज आपका आ गया डी साइन थीटा। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब आ जाते हैं वापस,
यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोबारा, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इस एंगल के मुताबिक ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यानी एस टू ओ जिसको हमने सपोज किया है सिग्मा, और ये सिग्मा क्या है आपका पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस का मकसद यानी आर टू ने कवर ज्यादा किया है पाथ आर वन से, तो ये पाथ डिफरेंस कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना, और ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज जिसको हमने सपोज किया डी इन एस वन एस टू। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के मुताबिक आपका जो रेशियो निकलेगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जिसको हम कहते हैं साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका है एस टू ओ एस शोन इन फिगर, और एस वन एस टू आपका हाइपोटेन्यूज है जिस एस टू ओ लाइन को हमने सपोज किया है सिग्मा जो शो करता है पार्ट डिफरेंस को, और एस वन एस टू को हम कहते हैं डी, यानी ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज। तो इस हिसाब से आपने पार्ट डिफरेंस निकाला है आर टू और R1 के दरमियान d साइन थीटा। अब यहां पर हम चेक करते हैं, यह है आपका पॉइंट P, इस पॉइंट P पर आपका इक्वल पाथ डिफरेंस आ रहा था, यानी इक्वल पाथ था, यानी R1 और R2 दोनों बराबर आ रहे थे पॉइंट Q पर। तो यहां पर हम चेक करते हैं, यहां हमने सपोज किया, तो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्क्रीन और स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम सपोज करते हैं L, यानी स्क्रीन विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल अपार्ट फ्रॉम स्लिट्स, वो हमने सपोज किया। अब यहां पर चेक करते हैं, यहां पर चेक करते हैं, तो इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर चेक करते हैं, तो भाई ये पी क्यू आपका जो डिस्टेंस है, और ये आपका एस वन और एस टू ये भी आपका एक डिस्टेंस है, तो यहां पर हम चेक कर रहे हैं, तो जनाब ये जो डिस्टेंस है आपका पी क्यू, अब ये आपका डिस्टेंस है जो कि शो करेगा, इसको मैं लेट सपोज कर देता हूं वाई, ये वाई शो करेगा स्पेसिंग बिटवीन द फ्रिंजेस, ये वाई शो कर रहा है स्पेसिंग बिटवीन द फ्रिंजेस, और ये अब हमें निकालने जा रहा है। तो यहां पर हम चेक करते हैं इस एंगल के मुताबिक, यहां पर एक सर्टन एंगल क्रिएट हो रही है, इस एंगल के मुताबिक ये आपका हो गया एक और राइट एंगल ट्रायंगल एस टू पी क्यू, एनदर राइट एंगल ट्रायंगल, एनदर राइट एंगल ट्रायंगल डेल्टा एस टू पी क्यू जो हमें रेशियो दे रहा है परपेंडिकुलर, इस एंगल के मुताबिक, इस एंगल के मुताबिक हम इस एंगल के मुताबिक हम इस लेंथ को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच गिव्स अस द रेशियो ऑफ अ टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहां पर आपका है पी क्यू डिस्टेंस, और बेस आपका है एस टू क्यू, एस टू क्यू। तो यहां पर हम आ जाते हैं टेंजेंट थीटा पी क्यू, पी क्यू जो कि हमने सपोज किया वाई, और एस टू क्यू जो कि हमने सपोज किया है एल। अब यहां पर आ जाते हैं, ये जो आपका पी क्यू डिस्टेंस है ऑलमोस्ट नियरली या अप्रोक्सीमेटली इक्वल है आपका इस पाथ डिफरेंस के एस टू ओ के, इस फिगर के हिसाब से देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है आपका P और Q जहां पर आपके दोनों लाइट रेस इक्वल पाथ पर कवर हो रही थी, यानी देयर इज नो पाथ डिफरेंस, वो डिस्टेंस और ये पाथ डिफरेंस जो कि आपका सर्टन क्रिएट हुआ आपका एस टू ओ, इन दोनों को अगर हम गौर से देखें तो ये तकरीबन इक्वल डिस्टेंस है आपका, तो एस टू ओ और P और Q दोनों इक्वल डिस्टेंस है,
approximately. तो उस हिसाब से अब हम चेक करने जा रहे हैं. तो हमने यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये आपका जो d sin थीटा है यानी एट स्मॉल एंगल एट वेरी इस कंडीशन के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं एट वेरी स्मॉल एंगल इस कंडीशन के हिसाब से sin थीटा जो कि आपका बन रहा था पार्ट डिफरेंस अपॉन डी पार्ट डिफरेंस अपॉन डी जो के नियरली इक्वल होगा टेंजेंट थीटा के जो कि आपका बन रहा है वाई अपॉन एल. तो उस हिसाब से ये नहीं ये आपका बन रहा वाई अपॉन एल और ये वाई आपका जो के लगभग बराबर है आपका इस पार्ट डिफरेंस के बाकी ये सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स और ये लेंथ ये भी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली बराबर. तो इनका यानी ये वाई अपॉन एल का जो रेशियो निकालो या फिर पार्ट डिफरेंस और यानी सिग्मा अपॉन डी का रेशियो निकालो ये तकरीबन लगभग सेम आएंगे एट वेरी स्मॉल एंगल. तो यहां पर मैंने कंडीशन बता दी एट वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट थीटा. यानी ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिग्मा अपॉन डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y अपॉन l. तो उस हिसाब से अब हमें निकालना है सिग्मा जो कि आपका पार्ट डिफरेंस है. तो अब हमें सिग्मा निकालना है तो ये d आपका इधर डिवीजन में उधर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो सिग्मा आपका approximately equal हो गया जिसको हम देंगे y d upon l y d upon l. ये आपका आ गया path difference. इसको कहते हैं equation number one equation number two sorry. अब हमें निकालना है position फॉर ब्राइट फ्रिंज. पोजिशन फॉर ब्राइट फ्रिंज और मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ब्राइट फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस ऑन स्क्रीन ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस जो है पार्ट डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट. तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर थ्री. दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूं कंपेयर इक्वेशन टू एंड थ्री. कंपेयर इक्वेशन टू एंड थ्री. तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री तो हमें मिलेगा वाई डी अपॉन एल इज इक्वल टू एम लेमडा. हमें स्पेसिंग निकालनी है तो वाई इज इक्वल टू एम लेमडा एल अपॉन डी. ये आपकी स्पेसिंग आ गई पोजिशन फॉर अ ब्राइट फ्रिंज वेयर m represents where m represents order of fringes
Y represents spacing, fringe spacing. Spacing or position of a bright fringe. L the separation or distance, distance from slits to screen. D represents the distance between the two slits. And lambda represents wavelength of incident monochromatic light. इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट. तो इन दोनों के दरमियान अगर मैं मिसाल, तो यानी इसके जरिए हम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को जरिए हम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट भी निकाल सकते हैं. अब हम अगर सपोज करते थे कि भाई एम जो है वो आपका, क्योंकि आउटर फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट करता है, वो आपका है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अगर हम ये वैल्यूज एम की लिखते भी जाते हैं तो इन दोनों के दरमियान, यानी एम ऑर्डर पर, यानी जीरो ऑर्डर पर ये फ्रिंज कुछ भी नहीं बनेगी. जीरो इन स्पेसिंग पोजीशन कुछ भी नहीं बनेगी. इसका मकसद अगर हम वन रखें या टू रखें तो लैम्डा एल डी, और या फिर टू लैम्डा एल डी. अगर मैं एम की वैल्यू पुटअप करता हूं इन अबव इक्वेशन, सिर्फ एम की वैल्यू, तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ये आपकी हो जाएगी 0, λ L upon d, 2λ L upon d, 2λ L upon d. तो इन दोनों के दरमियान अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग. तो हमें फ्रिंज स्पेसिंग भी मिल जाएगी. तो इनके दरमियान हम डिफरेंस निकालेंगे तो सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग, और टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग. तो जो ब्राइट फ्रिंजेस की स्पेसिंग निकलेगी वो ही डार्क फ्रिंज की स्पेसिंग निकलेगी. तो उस हिसाब से ये आपका हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन. तो वाई टू आपका है लैम्डा एल अपॉन डी और वाई वन आपका है जीरो. तो उस हिसाब से फ्रिंज स्पेसिंग आपके पास आ गया लैम्डा एल अपॉन डी, फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला लैम्डा एल अपॉन डी. सिमिलरली अब हम निकालेंगे पोजीशन फॉर अ डार्क फ्रिंजेस, पोजीशन फॉर अ डार्क फ्रिंजेस और मिनिमा. तो पार्ट डिफरेंस फॉर, अच्छा ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया अपनी लास्ट वीडियो में, तो डार्क फ्रिंजेस या डार्क बैंड्स ऑन स्क्रीन जो कि प्रोड्यूस होती हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो पार्ट डिफरेंस जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, वो भी हमने लास्ट टाइम निकाला था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो हमने निकाला था एम प्लस वन अपॉन टू लैम्डा. सिमिलरली अगेन मैं कंपेयर करूंगा इक्वेशन, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन फोर. इक्वेशन फोर को मैं कंपेयर करता हूं इक्वेशन टू के साथ, तो इन द एंड अगेन सेम रिजल्ट मिलेगा हमें. लेकिन ये
यहां पर मामूली सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, m प्लस वन अपॉन टू लेमडा। तो ये आपकी पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज यानी मिनिमा आपको मिल जाएगा m प्लस वन अपॉन टू लेमडा l अपॉन d। अगेन आ जाते हैं वापस, अब दोबारा आ जाते हैं, अगर हम m की वैल्यू दोबारा रखें और m की वैल्यू, m represents order of fringes, अगर m की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 and so on, तो ये y आपका हो जाएगा, ये सिर्फ m की वैल्यू पुट अप कर रहा हूं, तो ये आपका हो जाएगा lambda l upon d 1 upon 2, ये मैंने m की वैल्यू पुट की है, m की वैल्यू 0, अगर मैं m की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये आपका बन जाता है 3 upon 2, और अगर मैं 2 वैल्यू पुट करता हूं तो ये बन जाता है आपका 5 अपॉन 2। अब मैं डिफरेंस निकालने जा रहा हूं, तो सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग, तो वो भी सेम ही आनी चाहिए जो कि हमने सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस निकाला था। तो मैं डिफरेंस निकालने जा रहा हूं, यानी वाई फ्रिंज स्पेसिंग सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस। अब मैं सेपरेशन निकालने जा रहा हूं y2 माइनस y1, तो y1 आपका है, y2 आपका है 3 अपॉन 2 लैम्डा l अपॉन d माइनस y1 आपका है 1 अपॉन 2 लैम्डा l अपॉन d। तो इस हिसाब से ये 2d तो एज इट इज रहेगा और 3 माइनस 1 बिकम्स 2, तो ये 2 टू कैंसिल, अगेन लैम्डा एल अपॉन डी, सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस सेम आया है, सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस जिसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। तो इस लेक्चर से हमने क्या किया है, इस लेक्चर से हमने पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, पोजिशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस जो कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जब आपका टॉपिक हमने डिस्कस किया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो जब तो लाइट रेज आपस में मिक्स होती हैं, मर्ज होती हैं, सुपरपोज होती हैं ऑन अ सिंगल पॉइंट इन अ स्क्रीन, तो आपकी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस होती हैं ऑन स्क्रीन ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये एक्सपेरिमेंटली हमें डेमोस्ट्रेट या ऑब्जर्व करके दिखाया थॉमस यंग साहब ने 1801 में बाय यूजिंग टू स्लिट्स, इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसके जरिए हमने पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज और पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज भी निकाला है, और आप इसी को, इसी फार्मूले को अल्टर करके वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट भी निकाल सकते हो। अल्लाह हाफिज़।